सरब तेनु एक गल कहनी सी। दसो दी। वैसे तो हमारे में ये करवा चौथ का व्रत रखते नहीं है, लेकिन तेरी वोटी ने स्वेर तो एक बूंद पानी भी नहीं पीता, पता है? मैंने पता है दी। तेनु किसने पता? आपको कैसे पता? आज सुबह से नोटिस कर रहा हूँ आपको महर्षि। जब आप हॉस्पिटल मुझसे मिलने आई थी तब आपने ना पानी पिया था और ना ही फ्रूट्स खाए थे। अब आपकी बारी। सरब जी जी वो इच्छा नहीं है, बिल्कुल मन नहीं, आप लीजिए ना। और इसीलिए मैंने आपके लिए ये जूस रेडी रखा है, चलिए ले लीजिए। ठीक है सरब जी जी। अरे अभी तो बताया जूस का ग्लास है, चलिए जल्दी से हाथ आगे कीजिए और इसे पकड़िए, चलिए। आप भी ना सरब जी जी, जैसे बड़ा ये जूस का ग्लास स्क्रीन के थ्रू मेरे पास आ जाएगा। जब फरहाद शिरीन के लिए पहाड़ से पानी की नदी बहा सकता है तो ये मिस्टर जटन टॉयलेट अपनी बांदरी जी के लिए मोबाइल से जूस का ग्लास तो पकड़ा ही सकता है। सच्चे इश्क की ताकत है मैडम, ये ग्लास खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा, आप हाथ आगे बढ़ाइए तो सही। आहो सोनियो। वाह जी, आज ते सरबाला काम आ गया। चलिए मैं जी, जूस पीजिए मेरी आंखों में देखकर। हो सुखी सी शुके दे डाली ते, फिर पत्ते तूने दिए सजा, है करम ये तकदीरा दा, है खेल लकीरा दा, जाना नहीं। चलिए अब रखिए फोन पर आज जी। ओके बाय शिरीन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज करवा चौथ के इस स्पेशल ओकेजन पे आप सब के लिए अरेंज किया गया है एक स्पेशल डिनर, जिसकी खास बात ये है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के सामने बैठकर ये डिनर करना है, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी हाथों से खाना खिलाएगा और हस्बैंड खुद ठंडी ठंडी हवा खाएगा। शट अप रॉबी। और इसकी खास बात एक ये भी है कि वाइफ भी अपने हस्बैंड को अपने हाथों से खाना खिलाएगी। मॉम, वो मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं अभी आता हूं। मानव, कब से तुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे पता है मैं मुझे आज क्या? मानव, आज करवा चौथ का व्रत, स्त्री ने सुबह से कुछ खाया नहीं, तुम ऐसे जाने देना यार करवा चौथ का व्रत, तुझे पता है मुझे क्या पता लगा? मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है मेहर। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, लेकिन अभी नहीं, एक बार अदिति का व्रत खत्म हो जाए फिर बात करते। कहाँ से आ गया व्रत, कहाँ से आ गया करवा चौथ? मैम मुझे तुझे बहुत कुछ जरूरी बताना है। सवाल तो मुझे भी तुमसे बहुत पूछना। माना सरबजीत जी को हॉस्पिटल तुम लेकर, माना अपना खून देकर तुमने उनकी जान बचाई, लेकिन उस रात कमरे में हुडी पहने, मास्क लगाए, हाथ पे गन लिए, तुम सरबजीत जी पे अटैक करने क्यों आए? मेहर, कई बार इंसान कमजोरी में, अपनी तकलीफ में ऐसे दो राय पर आकर खड़ा होता है जहां पर उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सा रास्ता चुने।
और इसी कश्मकश में अक्सर वो कुछ गलत रास्ते चुन लेते, और शुक्र है रब्दा कि मैंने वो गलत रास्ता नहीं चुना। खैर ये सब छोड़, तुझे पता है आज मुझे सुनो, मैं इस वक्त सिर्फ अदिति के साथ होना चाहिए, उसका कितना बड़ा दिन होता है एक सुहागन के लिए, प्लीज उसकी खुशियां खराब कर रहा हूं। किसकी खुशियां खराब कर रहा हूं मैं? किसी की खुशियां खराब नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। खैर मुझे सब याद आ गया, मानव प्लीज तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझाओ और कैसे समझाओ, क्यों पुरानी बातों को भूलते नहीं? कोशिश कर रहा था मैं सब कुछ भुलाने की, ऑलमोस्ट भूल भी चुका था, लेकिन किस्मत और वो रब उसको मंजूर नहीं था, सब याद आ गया मुझे। चल ठीक है, मुझे तो याद नहीं था, तो सब याद था, तू तो मुझे बता सकती थी, मेरे पास आकर मुझसे कह सकती थी, तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। चल ठीक है, तूने मुझसे छुपाना था छुपा लिया, पर किस्मत भी मुझसे नहीं छुपा पाई। तुम क्या बोल रहे हो मानव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में समझ में नहीं आ, मैं करण के बारे में बात कर रहा हूं। भले ही सरबजीत ने उसे अपना नाम दिया है, खून तो वो मेरा ही, करण मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा खून, पर मैं उसका मानव, पर मैं उसका किस्मत का खेल देख रही है। मैं आज जब लगा था मुझे कि मेरे हिस्से में सिर्फ गम ही गम है, तब उस रब ने मुझे जिंदगी भर की खुशियां दे दी, मुझे मेरा बच्चा दे दी, मेरा बेटा करण। करण मेरा और सरबजीत जी का बेटा, लपीफ़ पले में अब नानी का काम तू ही कराएगा। क्या हुआ नानी, आप रो क्यों रहे हो? पुत्र आज के बाद मैं तेरे से कभी नहीं मिलना। अब आप एम से कभी नहीं मिलोगे? कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। क्यों? क्योंकि तेरे पापा अब मेरे को अपना फैमिली मेंबर नहीं समझते। डोंट वरी नानी, पर मैं पापा से आपकी बट्टी करवा देगा। पक्की गल? पक्की गल। वंडरफुल जी, वंडरफुल। पीफा परम, मैं बताती हूँ तूने अपने पापा को क्या बोलना है और कब बोलना है। ओके। करण मेरा और सरबजीत जी का, मेरा और सरबजीत जी का बेटा। तू झूठ कब से बोलने लगी मैं? मैं झूठ नहीं बोल रही। तभी तो नजरें चुरा कर जा रही है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। सब पता है तुझे मेहर, सब पता था तुझे मेहर, पता तो बस मुझे नहीं था। करण हमारा बेटा, तेरा और मेरा बच्चा,
लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा कुछ एहसास हुआ था मुझे, एक कनेक्शन महसूस हुआ था। सिर्फ मुझे ही नहीं, करण को भी हुआ था। अरे प्लीज तू ऐसी बातें मत कर। तू जानती है मेहर, जब मैंने उसे पहली बार देखा था, क्या नाम है इसका, करणजीत सिंह गिल, नाम तो काफी पावरफुल है आपका, और तुझे वो याद है जब उस दिन करण किसी से भी चुप नहीं हो रहा था। रोने का तो सिर्फ बहाना है, करण को मेरे पास आना है। तूने जो अभी पूछा, हाँ उस रात मैं मास्क पहन के गन लेके आया था, और पता है गोली क्यों नहीं चला पाया, क्योंकि करण ने मुझे रोक ली। मेरे करण ने मुझे रोक ली। उस रात मेरे बच्चे ने मुझे गलत काम करने से रोक लिया। मेरे खून ने मुझे बताया कि सही नहीं है। सच कहते हैं लोग कि खून खून को पुकारता है। मुझे मेरे करण ने उस रात पुकार लिया था। तुझे पता है मेहर, हर बार सोचता था, हर बार लगता था मुझे कि सरबजीत के बेटे के साथ मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है। मैं बार बार क्यों जाता हूं उसको देखने के लिए, लेकिन कनेक्शन सरबजीत के बेटे के साथ नहीं था, मेरे अपने बच्चे के साथ, करण के साथ था। प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्या हुआ मेहर, परेशान क्यों हो रही है, क्यों रो रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए, मुझे मेरा करण मिल गया। करण की रगों में मेरा खून है, की रगों में मेरा खून है। तेरा प्यार तो नहीं है मेरे नसीब में, लेकिन तेरे प्यार की आखिरी निशानी तो है ना, और वो निशानी मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। क्या चाहती है तू, यही चाहती है ना कि मैं पुरानी बातें भूल जाऊं, सब कुछ तेरे और सरबजीत के बीच में ना आऊं? ठीक है, नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मुझे मेरा बच्चा दे दे यारा। मैं नहीं है मेरे नसीब में तेरा प्यार, लेकिन इस प्यार की आखिरी निशानी तो प्लीज मेहर, मुझे मेरा बच्चा दे दे। नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ऐसा मत बोल, मैं प्लीज ऐसा मत बोल। मेरी मम्मी जी ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, किस्मत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली, सरबजीत ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, तू तो कम से कम मुझसे मेरा बच्चा मत छीन। प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दे मैं, प्लीज। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। याद है जब मैंने सरबजीत को खून दिया था, तूने मुझसे क्या कहा था मेहर? मानव, तू जब भी मुझसे कुछ भी मांगेगा मैं दे दूंगी, तू जो बोलेगा मैं करूंगी, प्रॉमिस किया था तूने मुझसे मेहर। प्लीज सरबजीत जी के पास टाइम ज्यादा नहीं है, वो उनकी जान बहुत खतरे में, तो मुझे जो हक हो मैं तुम्हें दे दूंगी, मैं अपनी दुनिया तुम्हें दे दूंगी, अपनी जिंदगी दे दूंगी। क्या देना मेहर कि भूल गई, तेरे रब की जान बख्शी थी मैंने ना, वादा मत भूल मेहर।
मुझे तेरे उस प्रॉमिस का वास्ता। प्लीज मेहर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम अदिति का सोचो, अपनी मॉम का सोचो, प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो। सोच लिया, सोच लिया। क्या चाहती है तू? यही चाहती है ना कि मैं अदिति को प्यार करूं? कर लूंगा प्यार, मॉम का बेटा बन के रहूं, रह लूंगा, विक्रम दीवान बन जाऊं, बन जाऊंगा, कुछ करने के लिए तैयार हूं। तू जैसा बोलेगी ना मेहर, मैं वैसा करूंगा, अपनी दुनिया कहीं और जाके बसा लूंगा। लेकिन जिंदगी जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है। मेरी सांस वहां पर है, करण में। झूठ नहीं बोल रहा हूं मेहर, तुझे चाहिए मैं सब करके दिखा सकता हूं तुझे, सब कुछ। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं सरबजीत से बात करता हूं, वो एक बाप है, वो मेरी बात जरूर समझेंगे। आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, उनसे ऐसी कोई भी बात नहीं करना जिससे उनके दिलो दिमाग पर कोई भी असर पड़े, वरना अटैक आने का खतरा हो सकता है। बोलना मैं, मेरा करण मुझे देगी ना? आज नहीं तो कल ही राज जरूर खुलना है। नहीं मानी ना तूने अपनी मम्मी जी की बात पुत्र? अब देखना तेरा वो जिद तेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाएगा। बोलना मैं, जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे मेरा बच्चा देगी ना? हाँ सर, अब विक्रम जी, विक्रम जी तो मेरे सामने ही हैं। वो ना मेहर से कोई बात कर रहे हैं, मैं तेरे अभी बात करवाती हूँ। विक्रम जी। जी सर, अब आपसे बहुत नाराज है, कुछ बात करने का। नानी चलो ना, नानी पैम को आपको कुछ चीज सिखानी। नानी चलो ना। जी गिल साहब, पहला करवा चौथ मुबारक हो विक्रम जी, बहुत अच्छा लगा आप वक्त पे वहां पहुंचे, अदिति का व्रत खुलवाया। लेकिन फिर भी मैं आपसे नाराज हूं, अदिति दिन भर की भूखी बाहर बैठी है और आप यहां। कमाल है, मेरी कंप्लेंट आप तक पहुंच भी गई। जी नहीं, अदिति ने कोई कंप्लेंट नहीं की, बल्कि हरलीन दी ने फोन करके बताया। आप एक काम कीजिए मिस्टर गिल, मुझे वीडियो कॉल कीजिए, मैं आज आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। हमेशा के लिए।